राइट आंसर इज सी, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम. ओके, एट क्वेश्चन, टू स्टेटमेंट. स्टेटमेंट वन, पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड बाय द पब्लिक. करेक्ट है ये? करेक्ट है बेटे. पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं, जैसे ये सड़क है, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, इनको क्या कहते हैं? पब्लिक गुड्स हैं, इनको हम कलेक्टिवली यूज करते हैं. ठीक है. स्टेटमेंट टू, पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवेलरस इन नेचर. मतलब इनमें कॉम्पिटिशन होता है. गलत है. ठीक है, तो क्या है राइट आंसर? स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स. ठीक है, नेक्स्ट. नाइन्थ क्वेश्चन हमने नहीं किया. टेंथ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ आरबीआई. ए, टू एक्ट एज अ बैंकर, टू एक्ट एज अ कस्टडियन ऑफ गोल्ड रिजर्व, टू एक्ट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, टू इशू कॉइन्स एंड वन रुपी नोट. ये नहीं है. सो आंसर इज डी. कौन छापता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, इलेवेंथ क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन रेजोल्यूशन 1956 फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ डैश फाइव ईयर प्लान. फर्स्ट फाइव ईयर प्लान, सेकेंड फाइव ईयर प्लान, थर्ड फाइव ईयर प्लान, फोर्थ फाइव ईयर प्लान. सेकेंड फाइव ईयर प्लान, राइट ऑप्शन इज सेकेंड फाइव ईयर. ओके वैभव, लेट मी सी एट क्वेश्चन. एक मिनट, एट क्वेश्चन बेटे बीओपी का है या नहीं? पब्लिक गुड्स बेटे ये कहीं से भी आ सकता है, इंडियन इकोनॉमी का भी हो सकता है. ठीक है, एज सच इंडियन इकोनॉमी में कई बार जनरल क्वेश्चन भी आ जाते हैं. सो आईपीआर सेकेंड फाइव ईयर प्लान का बेसिस है. ट्वेल्थ क्वेश्चन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर refers to A, size of labor force in the country, yes or no? No. Number of people living in the country, no. Distribution of workforce among different sectors of the economy, yes. Occupational structure में हम यही देखते हैं कि हमारी country के जो workforce है कितनी percentage कौन सी occupation में engaged है. So right answer is C. Okay, next. 13. Dash is the portion of agricultural produce which is sold in the market by the farmers after meeting their self-consumption requirements. Bahut hi simple. Marketable surplus. Char options hai. Trade surplus, marketable surplus, producer surplus, consumer surplus. राइट आंसर इज मार्केटेबल सरप्लस. सबको पता है एक फार्मर अपने पास जो रखता है अपने सब्सिस्टेंस के लिए, उसके ऊपर जो बच जाता है, जो मार्केट में जाके बेचता है, उसको क्या कहते हैं? मार्केटेबल सरप्लस. ठीक है, आगे चलें. अगेन टू स्टेटमेंट्स बेटे. चलो ये पॉवर्टी का है, हमने अभी नहीं किया. 15th क्वेश्चन, स्टेटमेंट वन, इंडिया इज ऑफन कॉल्ड as the outsourcing hub of the world. समझ आई स्टेटमेंट? इंडिया को आउटसोर्सिंग हब कहा जाता है. क्या मतलब? पूरा वर्ल्ड जो है, पूरे वर्ल्ड की कंपनीज जो है वो इंडिया को अपना काम आउटसोर्स करती हैं. फैक्ट है ये. सो दिस स्टेटमेंट इज वेरी मच ट्रू. इंडिया जो है आउटसोर्सिंग हब है. स्टेटमेंट टू, availability of skilled manpower is the one of the prime factors responsible for the status gained by India at the international platform. India ko ye status kyun mila? Kyunki India mein skilled manpower ki availability hai. True? Both the statements are true. A option. 16th question bete. Before the advent of green revolution in 1960s, India was primarily dependent on DASH for the supply of food grain. USA, UK, Mexico, USSR. USA.
इंडिया, हमारी वीट कहां से आती थी? यूएसए से। किससे पहले? ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले। उसके बाद इंडिया फ्रॉम इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन क्या बन गई? एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन। ठीक है, ओके। 17th क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, 18th क्वेश्चन मैं करवा देती हूं, वैसे एग रूरल क्रेडिट का ही है फिर भी कर लेते हैं। नबार्ड सुना हुआ है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज सेट अप इन 1982 एज दी डैश बॉडी टू कोऑर्डिनेट दी एक्टिविटीज ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्वड इन रूरल फाइनेंसिंग स्कीम एपेक्स। बेटे जिस तरह से आरबीआई सारे बैंकों का बैंक है, उसी तरह नबार्ड जो है उन सारे बैंकों, उन सारी इंस्टीट्यूशंस का बाप है जो कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो एपेक्स बैंक। ठीक है, नेक्स्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू वैक्सीनेट द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विद कोवैक्सीन और कोविशील्ड विदाउट एनी चार्ज। दिस वुड बी कैटेगराइज्ड एज, गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, कोविशील्ड ले रही है मार्केट से, लेकिन आपको फ्री में लगा रही है, ये गवर्नमेंट का खर्चा है। ये कौन सा खर्चा है? ए रेवेन्यू नेचर इनकम, बी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, सी रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, डी कैपिटल नेचर इनकम। क्या है इन चारों में से? एनीवन बेटे फ्रॉम दिस साइड? रेवेन्यू नेचर, रीजन नाइदर क्रिएट्स एसेट्स नॉर रिड्यूसेस लायबिलिटी। ठीक है कार्तिक, तू मेरे को नहीं लगता पढ़ रहा है कुछ घर में बैठा, कुछ भी नहीं आ रहा आपको। ओके, 20th क्वेश्चन नहीं होगा, 21st क्वेश्चन देखते हैं। इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी इकोनॉमी। ठीक है, मिस्टर नीरज हैज डिपॉजिटेड 100 rupees इन द बैंक। इफ इट इज अज्यूम्ड that there is no other currency circulation in the economy, then total money supply in the economy will be, एक hypothetical economy है, उसमें एक person है नीरज, उसने 100 rupees bank में जमा कराए। अगर हम ये assume करते हैं कि इस economy में कोई भी money circulation नहीं हो रही, तो इस economy में money supply मैंने आपको बोला estimate करने के लिए, तो कितनी है? A 0, B 100, C not defined, D 120। मनी सर्कुलेशन नहीं हो रही, 100। मनी सप्लाई क्या होती है? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। करेंसी जीरो है, मनी सप्लाई में डिमांड डिपॉजिट में उसने कितने पैसे जमा कराए? 100। और क्योंकि मनी सर्कुलेट नहीं कर रही तो कोई और डिपॉजिट क्रिएट नहीं होगा, तो कितनी हुई? 100। ठीक है, दिस साइड बेटे, यस 100, शाबाश वैभव, वेरी गुड बेटे। ओके, 22nd क्वेश्चन। सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया हैज विटनेस्ड अ कंसिडरेबल फॉल इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। पता है सबको? Identify which of the following may not be one of the reasons for fall in infant mortality rate. हमारा infant mortality rate कम हो गया है, पहले 1000 में से बहुत ज्यादा बच्चे मरते थे, अब कम मरते हैं। इनमें से कौन सा इसका कारण नहीं है? A improvement in health facilities कारण है, improvement in educational standards है, इसके करके आप एजुकेटेड हो तो इसीलिए कम डेथ हो रही है ना, आपको पता है कैसे बच्चों का ध्यान रखना है। फॉल इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द नेशन ओवर द इयर्स, सी राइट, इट इज नॉट वन ऑफ द रीजन। डी दिया है टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन ओवर द इयर्स। ठीक है, सो टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन ओके, नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1।
subsidies do not add any burden on the financial health of the nation. True है कि false है? है? True है? अच्छा, मैं government हूँ, आप farmer हो, मुझे हर साल आपको 100 करोड़ रुपए subsidies देनी पड़ रही हैं, ये मेरे ऊपर burden है कि नहीं है? तो फिर स्टेटमेंट क्या थी? सब्सिडीज डू नॉट एड एनी बर्डन टू द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द नेशन. फॉल्स है, दे डू एड बर्डन. स्टेटमेंट टू, कंप्लीट रिमूवल ऑफ सब्सिडीज मे वॉयलेट द एम ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. अगर मैं बिल्कुल फेज आउट कर दूंगी सब्सिडीज, तो मेरा जो एक ऑब्जेक्टिव है कि मैंने इनकम को इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो नहीं अचीव हो पाएगा. ट्रू. तो राइट क्या है? स्टेटमेंट टू इज ट्रू. स्टेटमेंट टू इज ट्रू, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स. ठीक है, डी ऑप्शन. ठीक है, ओके. 24th, प्रायर टू इंडियाज इंडिपेंडेंस स्टेग्नेशन इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर was mainly caused by India ki independence se pehle agriculture sector kya tha? Stagnant tha. Kyun tha? A, investment in technology. B, investment in agriculture, advanced infrastructure facilities, land settlement system. Kaisa tha land settlement system? Zamindari system, triangular relationship. ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज डी. 25th क्वेश्चन बीओपी का है, नहीं कर पाएंगे. 26th क्वेश्चन, सपोज इन एन इकोनॉमी द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ. यस बेटे, अमेरिकन टूरिस्ट वाला बैग पड़ रहा है, राइट है? मैंने कुछ भी नहीं लगा. Suppose in an economy, the initial deposit of 400 crore rupees led to the creation of total deposits worth 4000 crore rupees. 400 crore rupees का initial deposit था, उससे 4000 रुपए का total deposit create हुआ. Under the given situation, the value of reserve requirement will be, reserve requirement की value find out करनी है. देखो कैसे होगा ये. इनिशियल डिपॉजिट कितना था? 400. टोटल कितना क्रेडिट क्रिएट हुआ? 4000. यानी क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना होगा? सीधा देख लो, 4000 क्रिएट हुआ, 400 था, 10 गुना, 10 टाइम्स. क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होते हैं? 1/ लीगल रिजर्व रेशियो. तो क्रेडिट मल्टीप्लायर 10 है, हमें लीगल रिजर्व रेशियो निकालना है. इसको इंटरचेंज कर दें, लीगल रिजर्व रेशियो इक्वल्स 1/10. सो राइट आंसर इज 0.1. ठीक है, राइट बेटे? किसी को कोई डाउट? चले आगे. 27th क्वेश्चन assertion रीजनिंग वाले हैं. सबको ऑप्शंस पता है, पहले में क्या होता है? ए करेक्ट है, आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. दूसरे में ए करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, लेकिन आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. सी में ए करेक्ट, R false, D में A false, R true. Assertion, major policy initiatives जो कि है land reforms and green revolution helped India to become self sufficient in food grain production. True है? Reason, इसको ऐसे पढ़ लिया करो, because the proportion of people depending on agriculture did not decline as expected after green revolution.
ये ट्रू है, लेकिन क्या उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है, ये उसका कारण है? स्टेटमेंट क्या थी जो गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्ट की और लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स अडॉप्ट किए, उसके करके इंडिया फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट हो गई? क्या इसका कारण ये है कि प्रपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन? ये इसका कारण? लेकिन ये स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे एग्रीकल्चर डेवलप हुई, हम चाहते थे कि एग्रीकल्चर के ऊपर जो लोग डिपेंडेंट है वो कम हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो बोथ आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो राइट ऑप्शन क्या हो गया बेटे? यस, बी, 27 का बी। ओके, 28th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो फाइंड आउट करनी है इसमें से। ए, डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर प्रोवाइड्स सस्टेनेबल लाइवलीहुड रूरल पॉपुलेशन। ये भी वैसे हुआ नहीं है तो हम ये स्किप कर देते हैं। 29th भी स्किप कर देते हैं, 30th भी पॉवर्टी है, नहीं हुआ है। 32nd ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बेसिस पर है। 33rd पे आते हैं बेटे, 33rd क्वेश्चन, एजर्शन रीजनिंग। मोहित क्या कर रहे हो आप बेटे? द गोल ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड was fully served by abolition of intermediaries in the post-independence India. जो हमारा गोल था, हमने बेटे जमींदारी सिस्टम एबॉलिश किया था, क्यों किया था? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड लाना चाहते थे हम। तो वो कह रहा है, the goal of equitable distribution of land was fully served by abolition of intermediaries in the post-independence era. Agree करते हो? क्या land reform में कुछ 100% successful रहे थे? नहीं। कुछ लोगों ने क्या किया था? अपना land अपने पास रख लिया था, ये कह के कि हम इसको खुद cultivate करते हैं, हम जमींदार नहीं है। इसका मतलब गोल ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वॉज नॉट फुली सर्व। तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। रीजन देखो, बिग लैंड लॉर्ड्स चैलेंज्ड द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन। जो बड़े बड़े जमींदार थे, जो गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग लगा दी थी कि 25 एकड़ से ज्यादा आप लैंड नहीं रख पाओगे, बिग लैंड लॉर्ड ने उसको चैलेंज किया था, डिलेइंग द इम्प्लीमेंटेशन, जिसके कारण उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिले हो गई थी, एंड सब्सिक्वेंटली एस्केपिंग फ्रॉम द लेजिस्लेशन, और अल्टीमेटली इस कानून से वो बच गए। ट्रू है? तो क्या हुआ? ए फॉल्स आर ट्रू। ठीक है, 34th क्वेश्चन नहीं है अभी हमने किया, 35th पे आते हैं। स्टेटमेंट वन, the value of money multiplier is determined by the reserve ratio prevailing in the monetary system. Value of money multiplier is determined by the reserve ratio. True hai? Bilkul true hai? Statement 2. The process of credit creation directly relates to the value of reserve ratio. The value of the process of credit creation directly related to the value of legal reserve ratio. Inversely related है, false हुआ ना? तो one is true, two is false. ठीक है, आ रहा है समझ? 36th question. Arrange the following events in the correct chronological order.
What do you mean by chronological timeline? Okay, Vaibhav, equitable distribution नहीं हो पाई थी, ऑब्जेक्टिव हमारा यही था लेकिन हम उसको अचीव नहीं कर पाए थे। उसका कारण आपको दूसरी स्टेटमेंट में दिया है कि बहुत सारे लोगों ने इस कानून को मानने से मना कर दिया था, ठीक है? तो जो इसके ड्रॉबैक्स आते हैं ना वो इसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी टाइमलाइन, सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ वो सबसे पहले लगाना है। तो चार इवेंट्स हैं, सबसे पहले आप इनके ईयर बताओगे मुझे तो ही कर पाओगे। द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 19, क्या होता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, पता है किसी को? क्या खाक पड़ी आपने इंडियन इकोनॉमी? एनीवन? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, यस 1921। बेटे ये तो एट्थ में बता देते हैं आपको, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड वो ईयर होता है जिसके बाद पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ने लग गई थी। इससे पहले फेमाइंस वगैरह आते थे, लोग जितने पैदा होते थे मर जाते थे, तो पॉपुलेशन ऑलमोस्ट स्टेबल थी, लेकिन 1921 के बाद पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई। सेकंड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, मैंने कल ही बताया है, कौन से ईयर में? 1908। तीसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया बाय द ब्रिटिश, बोलो, कल बताया मैंने। एनीवन दिस साइड? 1850, ओपनिंग ऑफ स्यूज केनाल। स्यूज केनाल जब हमने ओपन अप किया तो यूके, पहले जो था यूके बेटे वो घुमा के इंडिया से यूके तक जो थे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट डायरेक्ट नहीं जाते थे। आपको पता है मैप में देखा कभी ये इंडिया है तो ये यूके है, डायरेक्ट जाना चाहिए ना, लेकिन जब तक स्यूज केनाल खुला नहीं था तब तक वो गुड्स ऐसे घूम के यूके जाते थे, बहुत लंबा पड़ता था। जब स्यूज केनाल खुल गया, स्यूज केनाल इनको मिलाता है तो डायरेक्ट जाने लग गए, ठीक है? तो स्यूज केनाल आई गेस मुझे याद नहीं है 1800 समथिंग। हाँ टिस्को बेटे, मैंने क्या बोला है कब एस्टेब्लिश हुई थी, 1908 या 1907? मैंने क्या लिखवाया था कल, मैं आई विल जस्ट चेक,